दोस्तों ये है मारुति की विटारा ब्रेज़ा। इस गाड़ी में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है। ये गाड़ी सुबह तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मतलब 2-4 10 किलोमीटर चलने के बाद इसका सेल्फ एकदम फ्री हो जाता है। 4-5 सेल्फ मारने के बाद ये गाड़ी स्टार्ट होती है। तो भाई ट्रैफिक में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। अभी 1 हफ्ते से प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज हम इसे ले जाने वाले हैं अयोध्या, वहाँ बनवाएंगे। और भाई इसे लोकल शॉप पर ही बनवाएंगे, एजेंसी पर बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है और उतना अच्छा काम भी नहीं होता यहाँ अयोध्या में। तो हम इसे लोकल शॉप पे दिखाएंगे, वहाँ अच्छा काम भी हो जाता है, पैसा भी बच जाता है मेरा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सेल्फ के साथ साथ और भी काम करवाना था, तो वो भी स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि स्टेयरिंग रैप करवानी थी और टिंटेड ग्लास करवाना था, तो वो काम भी स्टार्ट हो चुका है। अभी सेल्फ का भी आपको दिखाते हैं। स्टेयरिंग रैप में टोटल 500 रुपये का खर्चा लगा और टिंटेड ग्लास में 600 रुपये का, तो टोटल 1100 रुपये का वो काम हो गया। अब सेल्फ खोला जा रहा है। अंदर स्टेयरिंग की सिलाई हो रही थी, उतने में ही मिस्त्री साहब ने पूरा सेल्फ खोल के बाहर निकाल दिया, नहीं तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाता कैसे खोला जाता है। सेल्फ मोटर का एक एक पुर्जा खुल चुका है भाई। अभी एक एक करके सबको चेक किया जाएगा क्या क्या सही है और क्या क्या ख़राब हो चुका है। अभी कम से कम 5 मिनट चेक करेंगे, उसके बाद सबकी सफाई होगी, फिर पता चलेगा क्या ख़राब है क्या नहीं। जो ख़राब रहेगा उसे चेंज करके फिर से बांध दिया जाएगा। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं क्या क्या सही है क्या क्या ख़राब है। पहले रेगमाल से सबकी घिसाई करेंगे, अच्छे से सबको साफ़ कर देंगे ताकि नया हो जाए बिल्कुल सेल्फ, पहले जैसा काम करने लगे। ये जो रॉड की घिसाई हो रही है, इसमें गरारी फिट होती है जो इंजन को रोटेट करने में मदद करती है, इसी से इंजन स्टार्ट होता है। तो इसे साफ़ करके इसमें ग्रीस व्रीस लगा के गरारी लगा दिया जाएगा, उसके बाद आगे का काम होगा। इसमें नई गरारी लगाई जा रही है, पुरानी वाली काफ़ी घिस चुकी थी जिसकी वजह से इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। इसको पिनियन भी बोला जाता है, देसी भाषा में तो सब गरारी बोलते हैं लेकिन इसका असली नाम है पिनियन। इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो ये 700 रुपये में मिला है हमें, मारुति सुजुकी कंपनी का, ओरिजिनल है बिल्कुल। एक लोकल कंपनी का भी दिखाए थे, 550 रुपये का था, लेकिन मैं वो नहीं लगवा कर ये वाला लगवाया, कंपनी वाला, ताकि थोड़े दिन चले कम से कम 3-4 साल। अब भाई पिनियन को अच्छे से सेट किया जाएगा, उसके बाद आगे का काम होगा। गरारी तो बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसमें कार्बन प्लेट भी लगाया जाएगा। कार्बन प्लेट इसका बिल्कुल घिस चुका था, मतलब यूज़ करने लायक नहीं था, तो मैं उसे भी चेंज करवा दिया। उसकी कीमत की बात करें तो वो लमसम 1250 रुपये का पड़ा था, ओरिजिनल मारुति का ये भी है। भाई कार्बन प्लेट भी लग चुकी है, पूरा काम कंप्लीट होने वाला है सेल्फ का। अब इसके बाद ऊपर की कवर लगा के इंजन में फिट कर दिया जाएगा। भाई ये है सेल्फ की पुरानी गरारी जो कि बिल्कुल कट चुकी है साइड से,
और ये है उसकी कार्बन प्लेट, ये भी घिस चुकी है, ये भी यूज़ करने के लायक नहीं थी तो मैं दोनों को चेंज करवा दिया। अब गाड़ी का सेल्फ कम से कम 5 साल तो आराम से ही चलेगा। अब भाई मोटर की फिटिंग हो रही है इंजन में, उसके बाद देखते हैं स्टार्ट करके सही से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। भाई गाड़ी की जब लास्ट सर्विस हुई थी तो इसका डीजल फिल्टर भी नहीं चेंज हुआ था, क्योंकि दुकान वाले के पास था नहीं, तो आज मैं उसको भी चेंज करवा दिया। इसकी कीमत है 1590 रुपये। और मेरी गाड़ी का कूलेंट भी ख़राब हो गया था तो उसे भी चेंज करवा दिया। उसकी कीमत उसमें इसमें 2 लीटर कूलेंट पड़ता है और उसकी कीमत है 490 रुपये दोनों बॉटल की। तो अब गाड़ी हो गई है कंप्लीट, गाड़ी अच्छे से स्टार्ट होने लगी है। तो भाई काम कंप्लीट होने के बाद मैंने गाड़ी को अच्छे से वॉश कराया, उसके बाद आप मेरी गाड़ी देख सकते हैं। वैसे अच्छी तो बहुत लगती है ब्रेज़ा।